दोस्तों आज के टाइम में सभी के पास एक जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट है, जिसके पास एक स्मार्टफोन है उसके पास एक गूगल अकाउंट है। लेकिन इसी के ऊपर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट हैक हो जाता है और वो रिकवर नहीं कर पाते। और जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट हैक होने के बाद में आपका पूरा का पूरा डाटा लीक हो सकता है। आप जो भी डाटा उस पर डाल के रखे होते हो, जो भी आपका ईमेल होता है, जो भी आपका वहाँ पर ड्राइव में फोटो वीडियो जो भी अपलोड होता है, वो सब हैक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही तगड़ा वाला इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आता है कि संजय भाई मेरा जो है जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट हैक हो गया, मैं कैसे रिकवर करूं। तो आप इस प्रॉब्लम को फेस ना करो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप अपने मोबाइल में तो जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट लॉगिन करके रखे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको बहुत ही इमरजेंसी काम हो जाता है, उस टाइम पे आपका फ़ोन डिस्चार्ज होता है, स्विच ऑफ होता है, लेकिन आप क्या करते हो, किसी दूसरे फ़ोन में, मतलब किसी अपने फ्रेंड के फ़ोन में अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हो और वहाँ पर लॉगिन करने के बाद में अपना काम ख़त्म करके उसको वहाँ से लॉग आउट कर देते हो। लेकिन लॉग आउट करने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको सिंपली क्या करना है, आपको चले जाना अपने मोबाइल के सेटिंग्स में, वहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक सिंक या तो अकाउंट्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और वहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपको एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा, गूगल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वो ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा जो आपने वहाँ पे लॉगिन किया था, अपना वाला ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करके आपको सिंपली ऊपर या तो नीचे कहीं पर 3 डॉट या तो 2 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके वहाँ पर एक रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, आपको रिमूव पर क्लिक करके वहाँ से उसको रिमूव करना है। क्योंकि जब तक आप लॉग आउट कर देते हो तो वो वहाँ पर ऐड ही रहता है, उस कारण से उस फोन में जो भी एप्लीकेशन वगैरह रहता है वहाँ पर परमिशन अलाउ रहता है, तो उस कारण से आपका ईमेल आईडी हैक हो सकता है। बहुत बड़ा ये मिस्टेक है। आपको कभी भी लॉगिन करना है किसी और के मोबाइल में तो लॉग आउट के साथ साथ आपको रिमूव भी करना है, आपका जीमेल आईडी, गूगल अकाउंट जो है सेफ रहेगा, आपका अकाउंट हैक नहीं होगा। तो बस मैं इतना ही इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस टाइप का वीडियो बना के अपलोड करूँ आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।